तो जैसे कि भैया बता रहे थे कि ऐसी मशीन भी आ गई है 100% क्लोथ को आपके बिल्कुल सुखाकर ही निकालती है, तो भैया वो मशीन ये रही, मैं इसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट पसंद आया। एक बार अगर आपको भी, आप भी चाहते हैं कि आपके जो कपड़े हैं वो नम निकलते हैं और आपको सुखाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, आप सीधे वार्डरोब में रख पाते हो, तो ये मशीन आप अपने घर ले जाइए, मशीन से निकालिए, सीधे वार्डरोब में अपने कपड़े को आप रख दीजिए। बड़ा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा है, एक बार आकर इस प्रोडक्ट को देख लीजिए। और मेरी माने तो ऐसा प्रोडक्ट घर में होना बहुत जरूरी है आज के लिए। मैंने पहले पूछा कि ये विंडो एसी ही है, तो भैया ने बताया हाँ विंडो एसी है और ये इन्वर्टर विंडो एसी है। बोलो तो हाँ। तो दोस्तों हम मौजूद हैं इस वक्त जे इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर, और भैया पहले तो सबसे पहले आप एक बार प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पर, बाकी बात हम आपको बाद में बताएंगे। पहले प्रोडक्ट देख लीजिए और एक नज़र में देख लीजिएगा क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कितने खूबसूरत प्रोडक्ट यहाँ पर हमें सामने नज़र आ रहे हैं। तो भैया आप चलते हैं, भैया यहाँ पर हमें सामने बैठे हुए देख रहे हैं, अब भैया के पास चलते हैं और यहाँ पर भैया से बात जानकारी लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आप डील करते हैं, उनमें क्या क्या मॉडल्स हैं, किस किस तरीके के हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आप यहाँ पर हमें हमारे कस्टमर्स को या हमारे व्यूअर्स को देने वाले। भैया यहाँ पर मौजूद है। हेलो सर। हेलो जी। तो हम देखने आए हैं आपके यहाँ प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, किस किस प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। आप ये इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अभी हैं अपने? जी जी, जय जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में खड़े हैं। ये अपने दो स्टोर्स हैं मुरादाबाद में, एक जहाँ खड़े हैं ये रामगा विहार में शोरूम है, मिड टाउन क्लब गेट नंबर 2 के ठीक सामने है ये, और इसके अलावा हमारा दूसरा स्टोर है रामपुर रोड पे। और लार्जेस्ट डिस्प्ले का आपको एहसास मिलेगा। प्रोडक्ट रेंज हमारे पास LED TVs हैं, रेफ्रिजरेटर्स की पूरी रेंज है, वॉशिंग मशीन की सारी कैटेगरीज है, सेमी ऑटोमेटिक से लेके और फ्रंट लोड मशीन्स तक हैं। उसके अलावा एयर कंडीशनर्स की पूरी रेंज मिलेगी आपको, एयर कूलर्स, डिश वॉशर्स। तो अभी हम जो शुरू करते हैं, रेफ्रिजरेटर से शुरू कर देते हैं, तो आपका जो आपको लगता हो कि हाँ सबसे अच्छा है, बहुत अच्छे रेट्स में, बजट्स में भी है और लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है, तो ऐसा रेफ्रिजरेटर के पास हमें ले चलिए और दिखाइए जो मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो, क्योंकि कॉस्टली भी है उसको भी हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं रीजनेबल बजट वाले जो रेफ्रिजरेटर वो कौन से आपके पास हैं। बस बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अपने पास, वर्लपूल है, हायर है, सैमसंग, LG है, ऑलमोस्ट हम सारे टॉप ब्रांड्स कवर करते हैं। प्रोडक्ट लाइन्स में अगर मैं दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स अपने पास आए हुए हैं। क्या बात। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट जो है रेफ्रिजरेटर्स हैं वो देखना है। भाई पहले सबसे पहले हायर का आप देख लीजिए खूबसूरती, आप बाहर से देखेगा खूबसूरती, क्या फिनिशिंग है, ये ब्लैक ग्लास फिनिश में आपको रेफ्रिजरेटर दिखेगा। और इसकी बेस्ट खूबसूरती है ये 4-door है। वाओ, 4-door में खूबसूरत फ्रिज है, इसे फ्रेंच डोर कॉन्सेप्ट कहा जाता है। नाइस, स्पेस देखिए, BMR भी इसे बोलते हैं। BMR का मतलब ये हो गया कि इसमें यूजेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का यूज ज़्यादा होता है और इंडिया में जितने भी रेफ्रिजरेटर अभी तक बिकते हैं उसमें फ्रीजर ऊपर होता है और रेफ्रिजरेटर नीचे होता है। इसमें रेफ्रिजरेटर ऊपर है और फ्रीजर नीचे दिया गया है। एंड टू एंड स्पेस दिया हुआ है इसमें रेफ्रिजरेटर में, जिसमें आप बड़े से बड़ा यूटेंसिल भी आसानी से इसमें लोड कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है, इसमें नीचे 2 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं फ्रीजर में, आपके एक ही घर में कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो मिक्स नहीं चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा इसमें बेनिफिट ये कन्वर्टेबल भी है, इसमें अगर आपको फ्रीजर की जरूरत कम पड़ती है तो आप एक कंपार्टमेंट को आप फ्रिज में कन्वर्ट करके अपनी स्पेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ओके नाइस, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है, क्योंकि क्या होता है फ्रीजर जो होता है वो फ्रीजर ही रहता है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपको एक फ्रीजर अगर, क्योंकि 2 सेक्शन दे रखे हैं, अगर आपको फ्रिज में करना है तो आप फ्रिज में कर सकते हैं। इसके अलावा साइड बाय साइड की रेंज में अपने पास और प्रोडक्ट्स भी हैं। ये ऑनलाइन डिस्पेंसर है जिसमें आप पानी और क्रश्ड आइस भी, आप आइस क्यूब्स और क्रश्ड आइस भी बाहर से, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी कई बार हमें क्या होता है क्रश्ड आइस चाहिए होती है तो हमें अलग से निकाल के बड़ी परेशानी होती है, इसमें आप इजीली क्रश्ड आइस जो आप ले सकते हैं। वाओ, इसके अलावा इसके फर्दर कैटेगरीज में आप नॉर्मल यूजेबिलिटी के प्रोडक्ट्स बाहर से लोड करना चाहते हैं, बाहर से लेना चाहते हैं, तो होम बार कॉन्सेप्ट पे भी रेफ्रिजरेटर आते हैं। नाइस। उसके अलावा कलर फिनिश में, डिफरेंट ब्रांडिंग में आपको नॉर्मल साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स भी, तो ये हम सैमसंग, LG, हायर, ये सभी सारे हम लगभग सारे सभी ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड्स हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। सैमसंग का वही जो हायर में आपने इसी तरीके का ग्लास फिनिश में आ गया, ये 2-door में आ गया, ये और ये 2-door में, इसका भी स्पेस एक बार हम अंदर से एक बार स्पेस देखना तो बनता है कि अंदर से जो हमने अभी देखा है प्रोडक्ट, उसके अलावा इसमें खूबसूरत डिजाइनिंग है, इसमें
अगर हम रेफ्रिजरेटर इसमें अगर हम फ्रिज की बात करें फ्रीजर की बात करें तो नीचे की इसमें भी नीचे की नहीं, नहीं, इसमें साइड बाय साइड बोलते हैं। एक साइड इसमें फ्रीजर है और एक साइड इसमें फ्रिज है। अच्छा ये भी कन्वर्टेबल है? नहीं सर नहीं है, ये कन्वर्टेबल नहीं है। आपका जो है फ्रीजर एक साइड है और फ्रिज पूरा एक साइड है। तो वो जो लेकिन एक खूबसूरत फ्रिज आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर रेट्स की थोड़ी सी बात करें तो किस रेंज में अभी तक जो आपने देखा है वो किस रेंज की? साइड बाय साइड में रेंज जो शुरू हो जाती है लगभग 70,000 से शुरू हो जाती है। ओके, और 2 लाख रुपए तक के रेफ्रिजरेटर स्टॉक अवेलेबल है। अगर हाई वाली की हम बात करते हैं जिसमें आपने बताया था एडजस्टेबल है तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए आप समझो 1.5 लाख रुपए के आसपास का फ्रिज है। हाँ भैया यहाँ पर एक सैमसंग का एक और ये स्टार रेटिंग का बता दीजिए, स्टार रेटिंग का क्या हिसाब होता है? स्टार रेटिंग बिजली की खपत के लिए होते हैं। बेसिकली इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रेफ्रिजरेटर में नहीं होता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी बहुत लो कंजम्पशन प्रोडक्ट हो चुका है एज ऑन डेट। अब आप देखिए 2-स्टार रेफ्रिजरेटर है सैमसंग का, इसकी जो टोटल कंजम्पशन है एक साल में 276 यूनिट है। सिर्फ 2-स्टार है जबकि लेकिन फिर भी जो उसकी कंजप्शन है वो काफी ज्यादा कम है, मतलब 1 यूनिट पर डे से भी कम खपत पे ये रेफ्रिजरेटर आपका काम करेगा। और इसका साइज 400 लीटर है, 400 लीटर का रेफ्रिजरेटर है। साइड बाय साइड में फिर बहुत बड़ी रेंज आ जाती है और इसमें कन्वर्टेबल मोड भी है, इसमें आप कैसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका स्पेस अंदर से हम एक बार देख लेते हैं। ओके, ये फ्रीजर हो गया और नीचे आपका फ्रिज हो गया। अगर हमें फ्रीजर की जरूरत किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है तो हम फ्रीजर को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पूरा फ्रिज बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें 4 कन्वर्टेबल मोड और है जिसमें हम कैसे भी मान लीजिए वेकेशन मोड पे जा रहे हैं, हमारे पास सामान बहुत कम हो गया है तो हम खाली इसे ऑन कर सकते हैं, खाली इसे भी ऑन कर सकते हैं और अलग अलग तरीके यूनिट कंजम्पशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। वाओ, तो जो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ अभी है कन्वर्टेबल 5-in-1 ट्विन कूलिंग का जो आपका ये फ्रिज, तो ये इतने ज्यादा बेनिफिट, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा कन्वर्टेबल मोड्स में अपने पास आपको वर्लपूल मिल जाएगा और ये थोड़ा सा मेटल फिनिश में है, ऐसा लग रहा है स्टील बॉडी जो जिसे बोलते हैं और अलग ही इसमें फिनिश आ रहा है, अलग ही खूबसूरती दिखाई दे रही है। ये इंटेलीफ्रेश के नाम से बोला जाता है इसे, कन्वर्टेबल मोड्स डिफरेंट है। उसके अलावा फिर एलजी में भी अपने प्रोडक्ट रेंज है, इसमें भी कन्वर्टेबल स्मार्ट डायग्नोसिस के प्रोडक्ट्स हैं। ये कर्ड मेस्ट्रो, इसके बारे में थोड़ा। कर्ड मेस्ट्रो एक मैजिकल चीज है जो आज की तारीख में इसमें लॉन्च हुई है। कर्ड को ये माना जाता है कि इसमें गर्म एरिया में जमाया जाता है जी, बट सैमसंग ने एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, याद किया है, जिसमें इसमें आप फ्रिज में भी कर्ड जमा सकते हैं। अच्छा, तो ये अलग से इन्होंने एक बॉक्स जमा सकते हैं। वाओ यार, ये एक अच्छी चीज और एक नई चीज यहाँ पर देखने मिल रही है। सैमसंग का ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। किस रेंज में प्रोडक्ट आ जाता है ये जी? लगभग 40,000 रुपए है, 300 लीटर के साइज में आप पकड़ लीजिए। एक अच्छा प्रोडक्ट है जरूर। इसके अलावा सेम साइड बाय साइड में आपको ग्लास फिनिश मिल जाएंगे वर्लपूल में, ये बहुत खूबसूरत ग्लास है। स्टील का ये इसमें फ्रेम दिया हुआ है और ये फुल ग्लास फिनिश में फ्रिज आएगा। बहुत स्ट्रांग इसकी डिमांड और एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी है इसकी फिनिश की वजह से। इसके अलावा फिर डिफरेंट साइज में आपको प्रिंट में मिल जाएंगे, फ्लावर प्रिंट्स में आपके रेफ्रिजरेटर आते हैं। जो लोग प्लेन फिनिश आज पसंद करते हैं उन्हें प्लेन में मिल जाते हैं, जो लोग प्लेन फिनिश में नहीं चाहते जिन्हें प्रिंट में चाहिए उनके लिए प्रिंट के प्रोडक्ट। ये कितने लीटर में हमारा फ्रिज है? ये इसमें 280 लीटर है, 280 लीटर में, और ये करीबन 30,000 के आसपास का ये फ्रिज हमारे पास है। और अच्छा फ्रिज यहाँ पर खूबसूरत है, हमारे बजट में अच्छे फ्रिज में चलते हैं। और ये और मुझे खूबसूरत से मतलब कितना अच्छा डिजाइनिंग वगैरह इसमें जो फ्लावर फिनिश में है। 250 लीटर का कुल रेफ्रिजरेटर है, बहुत रीजनेबल प्राइस में है। और इसमें एक नीचे अलग से चौकी कम स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया हुआ है, इसमें आप आलू प्याज वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी फ्रिज की हाइट भी बढ़ जाती है, इसका बेनिफिट है। तो ये डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कि आज की तारीख में आपको यूनिट बिजली की खपत को कम करने के लिए। कई बार क्या होता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की अगर आती है तो बात कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि इन्वर्टर से शायद ये चला है। बिल्कुल सही सोचते हैं जी, कोई भी इन्वर्टर से आप घर के एक सिंगल बैटरी के इन्वर्टर से भी आप आज की तारीख में बड़े से बड़ा 600 लीटर का फ्रिज भी आप सिंगल बैटरी इन्वर्टर से ऑपरेट कर सकते हैं डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आने के बाद से। और उसके अलावा लोडिंग के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से इसकी कंजम्पशन कम भी होती है, इसका बेनिफिट है। हमारे फ्रिज इसकी जो हमारी जो वो थी वो यहाँ पर हमने रेंज पूरी देख ली है, अब अगले प्रोडक्ट पर चलते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम कवर करते हैं वॉशिंग मशीन्स को। सबसे पहले हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करेंगे। इसमें 2 ड्रम होते हैं जिसमें वॉशिंग का और ड्राइंग का ड्रम अलग होता है। इसमें जो रेंज शुरू हो जाती है लगभग आज की तारीख में 7 किलो से लेकर 12 किलो तक की मशीन्स हैं। एल जी, सैमसंग, वर्लपूल, हायर, लॉयड, ये ब्रांड्स हम लोग डील कर रहे हैं। और अगर प्राइस की बात करें तो कितने प्राइस से? प्राइस में बात करें तो लगभग 10,000 रुपए के आसपास से शुरू हो जाती है और 17-18,000 रुपए तक की मशीन्स ये सेमी वाली जॉब, सेमी ऑटोमेटिक जॉब, सेमी ऑटोमेटिक में।
दूसरी कैटेगरी वॉशिंग मशीन में फिर अपने पास फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसमें भी हम कॉमन ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, सैमसंग है, LG है, हायर है, वर्लपूल है और IFB है। ब्रांड के साथ या क्वालिटी के साथ बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जा रहा है, ब्रांडेड ही चीज आपके पास मिलेगी और रेट जो है वो भी रीजनेबली आपके पास मिलेंगे। बिल्कुल, दो साल से लेके और चार साल तक की स्टैंडर्ड इसमें प्रोडक्ट वारंटी भी अवेलेबल है। इस वक्त इंडिपेंडेंस डे के ऊपर स्कीम्स भी चल रही है, डिस्काउंट भी आए हैं, कैशबैक की स्कीम्स भी इस वक्त लाइव है। अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस इजीली बिल्कुल सब जितने ब्रांड्स हम लोग कवर करते हैं सबकी ऑन साइट सर्विसेज है, लोकल सर्विस सेंटर, ऐसा कोई ब्रांड अपने पास नहीं मिलेगा जिसका लोकल कंपनी का बेस सर्विस सेंटर यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि कई बार क्या होता है सर्विस के लिए आफ्टर सेल सर्विस की बड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल, हमारे पास अपनी खुद की एक सर्विस कोऑर्डिनेशन टीम है जो कि हमारे क्लाइंट्स को पूरी पूर्ण रूप से हेल्प करती है। अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है कि आपके क्लाइंट्स के लिए आपने स्पेशली एक टीम बना रखी है जो इजीली उन्हें हैंडल कर सकती है, जाकर प्रोडक्ट देख सकती है। तीसरी कैटेगरी जो कि हम बात करते हैं वो है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, इसमें हमारे पास LG, सैमसंग, हायर और IFB के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बहुत खूबसूरत मशीन है ये, इनकी टेक्नोलॉजी सबसे उन्नत होती है, इसमें लगभग जो रेंज हो जाती है 6 किलो से लेके और 10 किलो तक की मशीन सब लेते हैं। अगर प्राइस की बात करें प्राइस कितने? प्राइस इसमें 25,000 से रेंज शुरू हो जाती है मशीन की और करीब 60,000 तक की मशीन में अवेलेबल है। पहले जो कपड़े धोना या कोई भी काम होता था वो एक सिर्फ काम हुआ करता था, लेकिन अब जो है एक खूबसूरती को भी बड़े ध्यान में रखा जाता है क्योंकि हम अपने घर में अगर कोई प्रोडक्ट रखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो खूबसूरत और हमारे घर के जो शो है वो और बड़े कम ना हो, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक और कैटेगरी अभी इसमें ऐड हुई है जिसमें अभी तक जितने भी मशीन हैं उसमें जो कपड़े निकलते हैं वो थोड़े से नम निकलते हैं, लेकिन अभी एक वॉशर ड्रायर कैटेगरी है जिसमें 100% ड्राइड कपड़े एंटी रिंकल होके निकलते हैं जो कि LG और सैमसंग जैसे ब्रांड्स हैं। तो आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है वो मशीन्स भी और उसकी उसमें बेनिफिट आपको ये भी है इस वक्त बाइंग में, फिर मैं बोलूंगा इसमें 15% तक का कैशबैक कंपनी इस वक्त दे रही है और बड़े अच्छे डिस्काउंट्स हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे और साथ-साथ उसमें डिस्काउंट भी। उसके अलावा किसी भी मशीन में आप हमसे लोगे आप लो उसमें हम अप टू 5 years 5 साल तक की वारंटीज भी कवर कर रहे हैं। वारंटीज भी कवर हो रही है भैया, देख ले वारंटी मिली है, सिक्योरिटी मिल रही है, कैशबैक भी मिल रहे हैं, ऑफर्स भी मिल रहे हैं और काफ़ी कुछ यहाँ मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिला है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ या ब्रांड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं करा जा रहा है। तो एक बार जय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग पर आना तो बनता ही है और एक बार देखना तो बनता ही है कि क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो भैया क्या लग रहा है भैया, ये डीप फ्रीजर है भैया, डीप फ्रीजर कॉम्पैक्ट सा छोटा सा डीप फ्रीजर, जब डीप फ्रीजर की बात होती है तो हमेशा वो बड़ा वाला दुकान के अंदर फ्रिज आइसक्रीम लेने जाते हैं वो डीप फ्रीजर ध्यान में आता है, लेकिन कॉम्पैक्ट सा डीप फ्रीजर है, 100 लीटर से 600 लीटर तक इनके पास जो है डीप फ्रीजर अवेलेबल है, ब्लू स्टार के हैं, वोल्टास के हैं और हायर के डीप फ्रीजर्स भैया के पास हैं। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि छोटे छोटे से कॉम्पैक्ट डीप फ्रीजर्स भी आ गए, देखिए बड़ा तो है ही, बड़ा तो हम लेते हैं लेकिन घर के लिए अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि इतना बड़ा डीप फ्रीजर हम लेगा नहीं होता। और भैया कीमत एक बार मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग ऐसा नहीं है कि डीप फ्रीजर तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, मात्र 15,000 से स्टार्टिंग। और एक और खासियत मैं इस डीप फ्रीजर का आपको बता देता हूँ कि डीप फ्रीजर की खासियत यह है कि कन्वर्टेबल है, मतलब अगर आपको फ्रोजन फूड्स इसमें रखने हैं तो अगर आपको उन्हें जमाने के लिए करना है तो आप उसको कन्वर्ट करके डीप फ्रीजर बना सकते हो, नहीं तो आप उसको फ्रिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन जो आपके फ्रोजन फूड्स होते हैं उनको भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो भैया डीप फ्रीजर के बाद एक और अलग चीज़ पे एक और मशीन पर मेरी निगाह पड़ी है, तो भैया ये है वाटर डिस्पेंसर, जो वाटर बॉटल जो होती है उसके लिए डिस्पेंसर तो आपने देखे होंगे, सिंपल डिस्पेंसर आते हैं, लेकिन ये वाटर डिस्पेंसर ऐसे हैं कि इसमें हॉट और कोल्ड वाटर आपको यहाँ से मिलेगा, इजीली आप यहाँ से वाटर डिस्पेंस कर सकते हैं, वाटर डिस्पेंसर है ये और साथ में इसमें नीचे जो ये बॉक्स है ये आप इजीली कोई भी छोटा मोटा आपको फ्रूट रखना है तो ठंडा वो रहेगा इसमें, आपको फ्रिज का आप उसमें काम करेंगे। तो मैं आपको एक बार ये इसको खोल कर दिखा देता हूँ और ये खुलता भी है भैया, देख लीजिए ये फ्रिज है नीचे, इसमें ऊपर आप जो है वाटर यहाँ से वाटर डिस्पेंस करता है, हॉट कोल्ड वाटर नॉर्मल वाटर आपको तीनों तरीके की कैटेगरी यहाँ मिल जाती है, गर्म पानी चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए आपको, ठंडा पानी चाहिए और साथ साथ आप यहाँ पर आप इजीली कोई भी चीज़ आपको रखनी है, ठंडी रखनी है, छोटी मोटी चीज़ है आपको ऑफिस वगैरह में आपको रखना है, आप ड्राइंग रूम में रखना चाहते हैं कि इजीली आप यहाँ से बोतल निकाल के आप ठंडे पानी के ले लें तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर रखने के लिए इजीली फूड मतलब आपको जाना फ्रिज में उठ के जाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर छोटा सा फ्रिज आपको यहाँ पर इसी में मिल जाता है वाटर डिस्पेंसर। अब हम बात करेंगे LED TVs की, LED TVs में अपने पास इंडिया के टॉप नॉच ब्रांड्स हैं जिसमें सोनी, सैमसंग, LG, हायर, वन प्लस सारे हम कवर करते हैं, रेंजिंग जो है इसमें 32 inches से शुरू होती है और 65 inches 75 inches तक अपने पास इन स्टॉक रेडी स्टॉक रेंजिंग रहती है, सारी कैटेगरीज हैं LG के इसमें, हमारे पास OLEDs तक अवेलेबल है, OLEDs हैं, सैमसंग में QLEDs हैं, ये सारी रेंज अवेलेबल है, बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले, बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस है,
एंड्रॉयड टीवीज, गूगल टीवीज को बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है अपने पास, जिसमें आप डाउनलोडिंग पॉसिबल करते हैं। गेमिंग टीवीज भी अपने पास अवेलेबल है, जिसमें जो लोग गेमिंग का शौक रखते हैं उनके लिए भी एक स्पेशलाइज टेलीविजन अपने पास रेडीली अवेलेबल रहते हैं। तो जो अभी जो इंडिपेंडेंस डे ऑफर्स में एलईडी टीवी एक ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर बेस्ट ऑफर्स आए हुए हैं, बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स चल रहे हैं, सेल आउट सपोर्ट्स चल रहे हैं। उसके अलावा कैशबैक्स हैं, 15% तक के कैशबैक्स हैं, कॉम्बो ऑफर्स हैं, जिसमें टीवी और साउंड बार अगर आप लेते हैं तो अच्छे कॉम्बो ऑफर्स भी अभी मिल जाते हैं। तो भैया देखिए, ऑफर्स की अगर बात करें तो ऑफर्स तो भरपूर आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो एक बार जय इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स पर आना तो बनता है भैया, एक बार देख लीजिए ऑफर्स, आपके पसंद के ऑफर्स होंगे। अगर आपको प्रोडक्ट लेना ही है, अगर आपको एलईडी खरीदनी है, तो एक बार यहाँ पर आकर देखना तो बनता ही है भाई। नो कॉस्ट ईएमआई एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, सिर्फ 990 रुपये की ईएमआई से हमारे पास प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाती है। तो भैया देख लीजिए, आप बजट की अगर बात करते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट लेना और आप सोचते हैं कि यार मुझे ईएमआई पे मिल जाए, तो काफ़ी ज़्यादा कम ईएमआई है, 990 रुपये अगर आप आराम से अरेंज ही कर सकते हैं। अगर आपको एलईडी लेने जाते हैं तो पर मंथ आप उसकी ईएमआई बनवा सकते हो, 990 रुपये सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट ईएमआई से बनी हुई है। उसके अलावा ईएमआई के ऊपर भी डिस्काउंट चले हुए हैं, लास्ट ईएमआई इस वक्त स्कीम में आने के बाद कंपनी छोड़ भी रही है। वाओ क्या बात है भैया, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बेस्ट एंड हैपनिंग कैटेगरी की बात करेंगे, एयर कंडीशनर्स, आज की तारीख में एयर कंडीशनर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट में है, डिमांड में, इतनी ज़बरदस्त वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं हो चुकी है, साल में 10 महीने आज गर्मी पड़ने लगी है, एयर कंडीशनर सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं। अपने पास सारी कैटेगरीज की एयर कंडीशनर है, विंडो एसीज अपने पास अवेलेबल हैं, स्प्लिट एसीज हैं, टावर एसी, कैसेट एसीज की भी अपने पास रेंज अवेलेबल है। 12 ब्रांड्स ऑफ एयर कंडीशनर करते हैं, इसमें सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, डाइकिन, मित्सुबिशी, कैरियर जैसे ब्रांड्स इन स्टॉक अवेलेबल रहते हैं। हाँ, तो अभी अगर बात करते हैं एसी, हम ऑफ सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं इस वक्त, हम कंपनीज अच्छे डिस्काउंट्स दे रही हैं, कैशबैक ऑफर्स हैं और बहुत कुछ है। हाँ ठीक है, तो अगर विंडो एसी की बात करते हैं, स्प्लिट एसी, तो आपको किसको प्रेफर करते हैं, विंडो एसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ये सिचुएशन के हिसाब से और रूम्स के हिसाब से डिपेंड करते हैं? देखो सर, मोर ओवर सिचुएशन के हिसाब से मशीन प्रोडक्ट डिसाइड किया जाता है, रूम साइज के हिसाब से, रूम लोकेशन के हिसाब से ही, जहाँ जो लोकेशन सूट करती है वो डिसाइड की जाती है। टेक्नोलॉजिकली जो आज की तारीख में प्रेफरेबल टेक्नोलॉजी है वो मैं बोलूँगा इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर एसी में स्टार्टिंग लोड का इशू नहीं होता है, लोगों को बड़े मीटर्स नहीं लगाना पड़ते, छोटे मीटर्स के ऊपर काम हो जाता है। उसके अलावा पावर सेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 5-स्टार एसी से एक अच्छी बेट है आज की तारीख में, गवर्नमेंट जिस तरीके से स्ट्रिक्ट होती जा रही है, 5-स्टार एसी अगर हम ऑफ करेंगे तो आज हम बहुत कम खर्चे में, अगर रीजनेबल साइज एसी हम साइज रूम में एक 5-स्टार एसी लगा देते हैं तो बिलीव नहीं करेंगे आप, एक कूलर की कॉस्ट में, एक कूलर की रनिंग कॉस्ट में आप एसी को अफोर्ड कर सकते हैं। लोग बिलीव नहीं करते आज की तारीख में 5-स्टार एसी में, इतनी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में डेवलप हो चुकी है, गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिंजेंट हो चुकी है कि वो उतने ही कॉस्ट में आपका एसी आप चल जाता है। हाँ, क्योंकि कई बार सुना होगा कि जब एसी लगाने की बात आती है तो ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि चलो एसी लगवा तो लेके, एसी हम ले तो आए, लेकिन उसकी जो बिल आएगा वो जो खर्चा होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन आप बता रहे कि अगर आप कूलर चलाते हैं तो उसी खर्चे में आप अपने रूम पर एसी भी लगवा, और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में। मैं ये बोलूँगा एक 1.5 टन का 5-स्टार एसी आज की तारीख में 5 साल की वारंटी, कंप्लीट वारंटी के साथ, 5 साल की सिर्फ 35,000 में उपलब्ध है। क्या बात है, 35,000 में 5 साल की वारंटी के साथ हमको एसी मिल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं विंडो एसी की, तो ये इतनी नॉर्मली विंडो एसी चलते ही थे, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके एक अच्छे से खूबसूरत से ब्यूटीफाई करके ये विंडो एसी आ गया और बहुत अच्छे से विंडो एसी लग रहा है। मैंने पहले पूछा कि ये विंडो एसी ही है, तो भैया ने बताया हाँ विंडो एसी है, और ये इन्वर्टर विंडो एसी है, और इन्वर्टर विंडो एसी क्या है कि आपकी जो बिजली की खपत है वो उसको कम कर देते हैं, आपकी जो बिलिंग की जो कॉस्ट आती है उसे कम कर देते हैं। और ये मत सोचिएगा कि इन्वर्टर की अगर ये नई टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा महंगी होगी, मात्र 3-4-5 हज़ार रुपये के ही डिफरेंस इनमें और इन एसी में है, तो आप थोड़ा सा ही डिफरेंस करने के बाद ये अपने वहाँ की जो बिजली का बिल है उसे कम कर सकते हैं और एसी का, विंडो एसी का भरपूर मजा लेते हैं। साथ साथ ये इतनी खूबसूरत है कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, नया डिज़ाइन आ गया, ब्यूटीफाई कर इन्वर्टर एसी कंपनीज ने निकाल दी है। जैसा कि आप जानते हैं चेंजिंग सीजन में हम आ चुके हैं और ठंड आने का जो है करीबी है, ठंड आने वाली है, तो हमने एसी की बात तो कर ली, लेकिन जब ठंड आने वाली है तो हम जो है आने वाले सीजन की बात करते हैं। तो भैया मुझे यहाँ पर जो है यहाँ पर मुझे गीजर्स दिखाई दे रहा है, और क्योंकि जब ठंड की बात होती है और नहाने की दाम आता है तो आदमी बड़ा घिसियाता है और सोचता है यार ठंडे ठंडे पानी कैसे नहाऊंगा, तो उसका भी समाधान जो है आज की दुनिया में मौजूद है, गीजर्स हैं, और गीजर्स के बारे में हम भैया से जानकारी लेंगे, किस किस रेंज में, कितने लीटर्स में आपके पास गीजर्स है और कौन कौन सी कंपनी में आपके पास गीजर हैं? गीजर्स अपने पास जो मिल जाएंगे आपको, हैवल्स मिल जाएगा, बजाज मिल जाएगा, रिकॉर्ड मिल जाएगा, हायर मिल जाएगा, ये ब्रांड्स अपने पास गीजर अवेलेबल है। गीजर को जो अभी तक समझा जाता था वो इस तरीके के गीजर जो है वो गीजर माने जाते थे जो कि सिलेंड्रिकल शेप में आते थे, लेकिन इसका भी टर्न अराउंड हो चुका है, अब गीजर्स बहुत खूबसूरत आने लगे हैं, बिल्कुल जैसे एयर कंडीशनर की रूप में गीजर्स हैं,
इसमें आपकी वाटेज बढ़ जाती है, फास्टर हीटिंग करते हैं। उसके अलावा जितने भी गीजर्स आपको ये नज़र आ रहे हैं ये सारे 5-स्टार रेटेड गीजर्स हैं। जितने भी गीजर नज़र आ रहे हैं ये आप ये सारे 5-स्टार रेटेड गीजर्स हैं और 8 bar प्रेशर के साथ ये काम करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर 50 माले की बिल्डिंग पे आप ग्राउंड फ्लोर पे लगा दोगे और 50वें माले से पानी आ रहा है तो कोई भी गीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, तो मतलब जो पानी भी जो है आपको वैसे ही जैसा आपको वहाँ मिलेगा वही नीचे भी मिल जाएगा, पानी का नीचे मिल जाएगा और गीजर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतने प्रेशर से नॉर्मली टैंक फट जाते हैं, टैंक फट जाते हैं, तो आपके जो गीजर है उनमें प्रॉब्लम। ये जो टेक्नोलॉजी और ये जो खूबसूरत गीजर हैं आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, ये जय इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही आपको मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये रेकॉल जो है ये नाम शायद लोगों ने कम सुना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। नहीं, ये इंडिया की लगभग सबसे बड़ी गीजर बनाने वाली कंपनी है और स्पेशलाइज ब्रांड है। इसमें बहुत ही खूबसूरत टेक्नोलॉजी, वारंटीज इसमें बहुत अच्छी आ रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एलिमेंट वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से ये फास्टर हीटिंग देते हैं, मतलब जल्दी नॉर्मल गीजर के मुकाबले में जल्दी आपके गीजर को आपके पानी को गर्म कर देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमें बहुत पहले खोलकर जाना है फिर वो गर्म हो, तो इजीली गर्म कर। और एक और मैंने चैलेंज देखा है बाथरूम में आजकल, क्योंकि इतने सारे गैजेट्स लगने लगे हैं कि इतने लंबे लंबे गीजर्स की जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ये गीजर फ्लैट होने की वजह से इनको स्पेस आसानी से मिल जाता है लगने का, इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गीजर्स की हमने बात कर ली है, इससे थोड़ा सा आगे गीजर्स के अच्छे अच्छे शेप्स हैं और सभी शेप्स में गीजर्स हैं। एक हायर का गीजर है, कितने लीटर में गीजर है ये? 15 लीटर है। 15 लीटर में और बड़े कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया हुआ है हायर का, बहुत खूबसूरत सा गीजर लग रहा है। सब पीवीसी बॉडी में गीजर आ रहे हैं, वो स्टील वाले आने वाली कोई बात ही नहीं है ना, करंट आने वाली कोई बात है। तो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, यहाँ पर हमें जूसर आपके जो मिक्सर ग्राइंडर इंडक्शन स्मॉल अप्लायंसेस में आपको माइक्रोवेव ओवन्स मिलेंगे। मतलब पूरी ही है, मतलब पूरी ही रेंज आपके पास जो है, किचन की रेंज जो है, जो भी प्रोडक्ट होम अप्लायंसेस में आपको कोई भी रेंज चाहिए सारी। LG की हम बात कर रहे हैं, LG में हमारे पास माइक्रो ओवन है, तो ये जो साइज अलग अलग है, तो इसमें भी कुछ लीटर्स का फर्क होता है? 20-21 लीटर से रेंज हो जाती है। ओके, और 30-35 लीटर तक के आपको माइक्रो ओवन से यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। ओके, तो ये आपका जो कुकिंग को जो है वो इजी कर देते हैं। और हाँ बिल्कुल जी, अलग अलग कैटेगरी की है, सोलो है, फिर उसका कन्वेक्शन में आते हैं, कन्वेक्शन में आप किसी भी तरह की कुकिंग आप कर सकते हैं। आप केक बनाना हो, पिज्जा बनाना हो, कुछ भी आप इजीली बना सकते हैं। इजीली बना सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ कोई चीज़ वार्म करनी होती है, गर्म करनी होती है, तो आप बड़े हल्का होता है, तो इजीली आप इसमें जाकर गर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें माइक्रो जैसे इसमें रोटेसरी फीचर भी है, इसमें आप पनीर टिक्का वगैरह भी आसानी से। ओके वाह, ये तो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है हमें। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको होम अप्लायंसेस अगर लेने तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप जय अगर जय इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर फुल रेंज मिल रही है। आपको यहाँ पर जो है टोस्टर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके पीछे थोड़ा सा आज एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट हो गया है जिसकी हम बात करेंगे, वाटर प्योरीफायर, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी, पानी से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, तो वाटर प्योरीफायर एक बहुत बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है हमारे लाइफ में। तो वाटर प्योरीफायर भी जे इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाते हैं, और ये आपके कैंट के LG दो ब्रांड्स में आपको आरओ वाटर प्योरीफायर मिलते हैं। आरओ वाटर प्योरीफायर में सारी कैटेगरीज हैं, इसमें आरओ प्लस यूवी प्लस यूवी UF सब कुछ मिलता है, TDS कंट्रोलर है। उसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अल्कलाइन बोलते हैं वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये अल्कलाइन मतलब इसमें क्या चीज़ होती है? आपने अभी सारे नाम लिए, UF पानी की नेचर होती है, जब पानी में केमिकल मिक्स होते हैं तो उसकी नेचर बदल जाती है, कई बार वो एसिडिक हो जाती है, एसिडिक नेचर होने की वजह से वो हमारी बॉडी को हार्म करती है। इसमें एक ऐसा कार्ट्रिज दिया हुआ है जो कि पानी को अल्कलाइन बनाता है, अल्कलाइन बनाने की वजह से पानी हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्मफुल जो भी वो जो होता है उसे खत्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जय इलेक्ट्रॉनिक्स से, भरपूर प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। हम इस वक्त जय इलेक्ट्रॉनिक्स पर हैं। मैं आपको एक बार एड्रेस बता देता हूँ, रामगंगा विहार में मिड टाउन क्लब के गेट नंबर 2 के ठीक सामने आपको ये शोरूम मिलेगा। भरपूर यहाँ पर आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, सारी वैरायटी मिल रही है आपको। अगर आप EMI पे रहना चाहते हैं, EMI भी लो कॉस्ट EMI मिलती है आपको, आपको सारी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, सारी सर्विस आपको दी जा रही है। और साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आफ्टर सेल सर्विस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सेल करने के बाद सर्विस नहीं मिलती, तो यहाँ पर इनके अपने सर्विसेज इनके जो हैं इन्होंने बना रखे हैं, अपने इनके इंजीनियर्स हैं, वो आपको ईजिली सर्विस देते हैं। तो आपको अगर आपको प्रोडक्ट्स लें तो एक बार आपको जे इलेक्ट्रॉनिक्स पर आना बनता ही बनता है। अब मैं बात कर लेता हूँ लोगों का कारोबार की, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें ज़्यादा से शेयर करें, हमारी वीडियोस में कमेंट देकर ये ज़रूर बता दीजिएगा वीडियोस आपको लगती कैसी हैं, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन ज़रूर दीजिए। फिलहाल हमारा वक्त हो चुका है घर जाने का, और अब हम चलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी नए शोरूम पर आपसे। ओके बाय।